मैं यहाँ बालाजी तिरुपति बालाजी दर्शन के लिए आई हूँ और मैंने टिकट भी ले लिया, रिसिप्ट भी ले लिया। वो महामूर्ख लोग हैं इस देश के अंदर, और ऐसे मूर्खों की बातों को सुन करके आप कभी मंदिर नहीं जाए। हमारे बाप कभी मंदिर नहीं गया, मेरा पिताजी नहीं गया और ना हम गए। हमारे कोई नुकसान नहीं है, कोई लॉस नहीं है। गाइस, मैं यहाँ बालाजी तिरुपति बालाजी दर्शन के लिए आई हूँ और मैंने टिकट भी ले लिया, रिसिप्ट भी ले लिया। जस्ट शट अप, जस्ट शट अप, जस्ट शट अप। और मैंने दर्शन किया। ఎవరు బా పంపించింది వెళ్ళి ఎందుకు పంపించినారు? गाइस, मैं बालाजी दर्शन के लिए आई थी, इन लोगों ने मेरे को बताया नहीं कि कल टिकट मिलेगा और आज मेरे पास रिसिप्ट है, टिकट है मैसेज। ये लोग टिकट नहीं दे रहे हैं, ये लोग टिकट नहीं दे रहे हैं, ये लोग मुझसे चार्ज कर रहे हैं 10,000 रुपीज, कह रहे 10,000 रुपीज ये लोग चार्ज कर रहे हैं, तब जाके बालाजी दर्शन करने देंगे, ठीक है। और ये इस तरह से बस तू रुकी से जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा, और इस वक्त हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर। एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है, वीडियो है अर्चना गौतम का, जो एक मॉडल रही और बाद में उन्होंने यूपी चुनाव में कांग्रेस की तरफ से अपनी दावेदारी भी पेश की। हालांकि वो चुनाव में कुछ कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन अब उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है। और वीडियो दरअसल ये है कि वो बालाजी पहुँची हैं दर्शन के लिए, जन्मदिन का अवसर था, भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए, जैसा कि अमूमन लोग करते हैं। वो पहुंची भगवान का वहाँ पे दर्शन करने, और फिर उन्हें पता चला कि जो वीआईपी पास है वो वहाँ 10,000-10,500 का मिलता है, और उन्हें इस वजह से वहाँ दर्शन नहीं करने दिया गया। पूरा जो ये घोटाला था उन्होंने वीडियो पर रो धो के सामने लाया, और जिस तरीके से उन्हें दलित समुदाय से होने की वजह से वहाँ से जो सिक्योरिटीज थी उन्होंने धक्के मार कर निकाल दिया। बाद में रोते धोते उन्होंने ये वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, और देखते ही देखते वीडियो वायरल हो गई। हालांकि जो बालाजी मंदिर है उसको लेकर जितने भी जो इतिहासकार रहे हैं, जिन्होंने स्टडीज़ की हैं इसके बारे में, उनमें कई ऐसी किताबें हैं जो इस बात का दावा पेश करती हैं कि जो बालाजी मंदिर है वो दरअसल एक बौद्ध स्थल है। और इस बात के लिए कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब उन पुस्तकों में आपको मिल जाएगा। और इस वक्त इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एक सज्जन हैं, रामफल जांगड़ा जी। तो रामफल जांगड़ा जी, सबसे पहला सवाल ये है कि एक तरफ राजनीति में जहां हम देखते हैं कि जंतर मंतर पर लोग कोई ना कोई मुद्दा लेकर पहुंचते रहते हैं, वहां दूसरी तरफ जो ये दावेदार हैं कांग्रेस के या अन्य पार्टियों के, ये मंदिरों में जा रहे हैं, उससे अपना मुंह नहीं छुड़ा पा रहे हैं। बालाजी मंदिर में गई, वहां से उनको दलित कहकर धक्के मारकर निकाल दिया गया, और जो ये कमाई का जरिया है, टॉप 10 मंदिरों में आता है बालाजी, जो कमाई में सबसे ज़्यादा पैसे हैं जिस मंदिर के पास, 10,500 वीआईपी पास के लिए ऐसे दर्शन हो रहे हैं, और यहाँ लोग हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद पर मरने कटने को तैयार हैं। देखिए, पहली तो मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को जय भीम, जय ज्योति, जय कर्पूरी, जय फातिमा, जय सावित्रीबाई फूले, हमारे जितने भी सामाजिक योद्धा हुए हैं, आप एक एक को चुन चुन करके उठा करके देख लिए, वो कभी भी मंदिरों में नहीं गए। और एक दिन पहले की हम बात करें, जिसका शिक्षा दिवस पे कोई रोल ही नहीं है, विरोध करने वाले लोग जो थे कल, उनका नाम लेकर के शिक्षक दिवस मनाया गया। सावित्रीबाई फूले को याद करना चाहिए था, ज्योतिबा फूले को याद करना चाहिए था, फातिमा शेख को याद करना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल सिस्टम में
और जो थोड़ा सा ऊपर उठ के गए हैं इस देश के अंदर, अंधविश्वास पाखंडवाद ब्राह्मणवाद जिंदा है, कोई दौरा नहीं है। और कुछ हमारे जैसे कुछ दलितों के, कुछ पिछड़ों के, कुछ मुस्लिमों के जो लीडरान हैं वो सोचते हैं कि भाई कहीं ना कहीं जब इतनी भीड़ वहाँ जा रही है तो एक दो छुटमुट भैया नेता लोग भी मंदिर चले जाते हैं, और लोगों को लगता है कि जब नेता गया है तो यहाँ बहुत कुछ होगा, कोई चिमटा बाबा, कोई बाल्टी बाबा, कोई घंटा बाबा, ये सारे बाबा जो हैं ये सारे के सारे मंदिरों में मिलेंगे आपको। कोई भी इस देश की चाहे झुग्गी झोपड़ी की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे राजनीतिक हिस्सेदारी की बात हो, तमाम लोग जो मंदिरों में जाने वाले लोग हैं उनको इन जिंदा चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो 10,000 रुपये का या 21,000 रुपये का या 51 का या 1,00,000 रुपये का जो टिकट है वो महामूर्ख लोग हैं इस देश के अंदर, और ऐसे मूर्खों की बातों को सुन करके आप कभी मंदिर नहीं जाए। हमारे बाप कभी मंदिर नहीं गया, मेरा पिताजी नहीं गया और ना हम गए, हमारे कोई नुकसान नहीं है, कोई लॉस नहीं है। इस देश की टॉपर यूनिवर्सिटियों के अंदर हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, JNU के अंदर। तो हमने भैया वो जो पाखंडी जो हफ्ता वसूली करने वाले जो मंदिरों में जो लोग बैठे हैं हम तो उनको नहीं मानते, और मैं तो आपके दर्शकों को और आपके जो न्यूज चैनल के माध्यम से जो और देखे उनको यही कहूँगा कि ये पाखंडवाद से अपना पीछा छुटवाए, अपने बच्चों को आप स्कूल कॉलेज अच्छे यूनिवर्सिटियों में भेजने का काम करें। रामफल जी, अब तक हम देख रहे थे कि जो गरीब तबका है, जो दलित समाज के वो लोग हैं जो शिक्षा से वंचित हैं, वो मंदिरों में जाते थे और उन्हें मार पीट कर भगाया जाता था, उन्हें डंडे से पीटा जाता था, घोड़ी पर नहीं बैठने दिया जाता था। लेकिन ये जो अर्चना गौतम जी हैं, कांग्रेस की दावेदारी पेश की है इन्होंने विधानसभा चुनाव में, इस पद पर होकर भी सेल्फ वो डिपेंडेंट है, उसके बाद भी उन्हें उनके साथ इस तरीके का व्यवहार एक मंदिर में होता है। देखिए ये खाली इनके साथ नहीं हुआ है, इस देश के उपराष्ट्रपति थे उनके साथ भी हुआ, और शायद PL पुनिया के साथ भी कहीं ऐसा धक्का मुक्की हुई थी, वो भी कांग्रेस के SC आयोग के चेयरमैन थे, MP भी थे। तो अब क्या कहें, मैंने कहा ना नेताओं की, और जो खास करके जो बड़ी पार्टियों के राष्ट्रीय 2-3 पार्टियां हैं इनके जो नेता हैं वो जाते हैं। अभी मैं कल परसों देख रहा था शरद यादव जी का एक पार्लियामेंट के अंदर वो बोल रहे हैं कि भाई कोई इस देश का कोई भी भगवान अगर मेरे को मिल जाए तो मैं उसको कहूँ, हाथ जोड़ के कहता हूँ भाई किसी भी तरीके से आप इस देश को छोड़ दो। और यही बात हम कह रहे हैं क्योंकि हमने पढ़े लिखे लोगों के साथ खड़े हुए हैं, बैठे हैं, पढ़ा है कि इस देश के अंदर ये पाखंडवाद जब तक रहेगा, जब तक इस देश के अंदर मजदूरों के बच्चों को, दलितों के बच्चों को, पिछड़ों के बच्चों को, मुसलमानों के बच्चों को शिक्षा नहीं मिलेगी, ना ही वो मुखरता से अपनी बात को कह सके। एक और बात है जो इस मंदिर से जुड़ी हुई है कि बालाजी मंदिर के विषय में बहुत सारे लोगों ने ये बात प्रूफ की है कि जो बालाजी मंदिर है वो बौद्ध स्थल था एक समय में, जो वहाँ प्रतिमा है वो बुद्ध प्रतिमा है और वहाँ पे वो सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा बौद्ध स्थल रहा है और आज के समय में सबसे बड़ा मंदिर बन गया है। तो ये जो परिवर्तन है इस पर आपकी क्या राय है? देखिए परिवर्तन इसमें कोई दौरा नहीं है, इस देश के अंदर जो भी मंदिर हैं, और अभी तो राम मंदिर के भी पीछे चल आवाज आ रही थी कि ये भी जो है ना बौद्ध भिक्षुओं का बौद्ध मंदिर था, तो ये तो इस तमाम इस देश के मनुवादियों ने ये तोड़ करके, और यहाँ पे आप किसी भी स्टेचू को जाकर देख ले किसी भी, उसको कथागत गौतम बुद्ध से मिलती हुई है। लेकिन मैं तो फिर भी कहूँगा चाहे कथागत गौतम की बात हो, चाहे उन्होंने भी एक ही बात कही थी कि अपना दीपक अपने आप बनिए, आप कहीं भी किसी भी पत्थर के आगे सर ना झुकाएं, आप ताकत के बल पे, अपने बल पे आप शिक्षा ग्रहण करके आप आगे बढ़ सकते हो, चाहे ज्योतिबा फुले से ले लो, चाहे अम्बेडकर से ले लो, चाहे लेनिन स्टालिन, तमाम ऐसे योद्धा जो हैं उन्होंने यही बात कही है। और हम कह रहे हैं मत जाइए आप, आपका अगर मंदिर नहीं जाओगे कोई लॉस होने वाला नहीं है, आपके हर बार आपको धागे के नाम पर लूटेंगे, प्रसाद के नाम पर लूटेंगे, आपको जो है ना बगैर मतलब की जो कथा कथित जो वो किताबें जो छाप रखी हैं जिसका मैं नाम लूंगा तो शायद विवाद हो जाएगा, निरालज झूठ है उनके अंदर, कुछ भी नहीं है।
तो इन चीज़ों से जितना भी समाज के लोगों को बचा जाए उसका बचना चाहिए। और जो लोग मंदिर जाने वाले जो लोग हैं, जो ज़्यादा पाखंड जो लोग करते हैं, आज उनकी दुर्दशा आप देख लीजिए। मैं कल ही देख रहा था, कोई त्यौहार था, उसको नहरों में कुछ मूर्तियाँ से विसर्जन करी जा रही थी, डाला जा रहा था। तो इतना बुरा हाल है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी करते हैं, नहीं करना चाहिए। आने वाली पीढ़ी को हमने किसी न किसी तरीके से बचाना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू।